तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एमपीएल में बताने वाला हूं कि जो यहां पर फर्स्ट आईपीएल का मैच है उसमें 1 करोड़ रुपए फर्स्ट रैंक को यहां से मिलने वाला। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या सर वो सच में यहां से फर्स्ट रैंक को यहां से 1 करोड़ देने वाले हैं एमपीएल वाले। तो मैं पूरा फुल डिटेल से बताऊँगा कि आपको अगर विन कर जाते हो तो आप कितना यहां से मतलब सच में 1 करोड़ मिलेगा या आपको यहां से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट जो मैच यहाँ से मुंबई वर्सेज बैंगलोर के यहाँ से होने वाला है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए, जो फर्स्ट यहाँ से टूर्नामेंट यहाँ से 23 रुपये का है, जो 49 रुपये का होता था, तो यहाँ से छूट चल रही है। तो यहाँ पर इसमें जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि फर्स्ट रैंक वालों को यहाँ से 1 करोड़ रुपये और सेकंड वाले को यहाँ से 15 लाख, थर्ड रैंक वाले को 5 लाख। मतलब इसी तरह आपको रैंक यहाँ से देखते जाओगे, जैसे नीचे आते जाओगे कम प्राइज आपको यहाँ से मिलती जाएगी। तो यहाँ से मेन मुद्दा ये है कि आपको अगर आप फर्स्ट रैंक में आ जाते हो तो क्या सच में 1 करोड़ रुपये एमपीएल वाले देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अगर फर्स्ट रैंक पर आ जाते हो तो 1 करोड़ आपको मिलेगा, लेकिन उसमें आपको यहाँ से कुछ टैक्स यहाँ से देना पड़ेगा। तो टोटल मिला के आपके मतलब वॉलेट में कितना अमाउंट यहाँ से आने वाला, वो चलिए मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये सबसे पहले ये एमपीएल वाले कमाएंगे, मतलब ये टूर्नामेंट से कमाएंगे कितना, केवल 23 रुपये वाले टूर्नामेंट में। तो यहाँ पर देखिए, टोटल यहाँ से 12 लाख लोग यहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए, 12 लाख लोग 23-23 रुपये दे के यहाँ से ज्वाइन होंगे तो कितना यहाँ से रुपये होता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे मैं कैलकुलेटर में अपने आ चुका हूँ, तो यहाँ पर 12 लाख लोगों ने यहाँ पर जैसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ चलिए मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर देखिए 12 लाख और यहाँ से 23 रुपये एंट्री फीस है। तो 23 रुपये एंट्री फीस लगा के यहाँ से देखिए टोटल यहाँ से इतना रुपये यहाँ से हो रहा है। तो टोटल मिला के यहाँ पर देखिए 2 करोड़ 76 लाख रुपये यहाँ से हो रहा। और एमपीएल वाले टोटल कितना यहाँ से प्राइज दे रहे हैं, और टोटल प्राइज यहाँ से देख लीजिए 5 करोड़ है। मतलब यहाँ से आपको 5 करोड़ ये टोटल मिला के होते दोस्तों, 1 करोड़ जितना यहाँ से अमाउंट मिलता है लास्ट रैंक तक, ये टोटल मिला के 5 करोड़ होगा। उसमें से ये लोग कमा रहे हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 करोड़ 76 लाख रुपए कमा रहे हैं और 5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो दोस्तों, इनको घाटा नहीं होने वाला, क्योंकि नीचे थोड़ा सा बोनस का ऐसा है तो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये 5 करोड़ दे रहे हैं, 2 लाख 76 मतलब 2 करोड़ 76 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो क्या सच में ये 1 करोड़ रुपए आपको क्या दे देंगे? तो चलिए, इसमें दोस्तों आपको क्या होता है कि एमपीएल वालों का कुछ यहाँ से परसेंट होता है। आपको पता ही होगा, जो अगर आप खेलते हो, अगर आप यहाँ से 10,000 मतलब 20,000 रुपए से ज़्यादा कमाते हो, यानी 19,000 से ज़्यादा कमाते हो, तो पूर्व हम लोग 20,000 ले लेते हैं। इन्होंने 19,000 से बताया कि 19,000 से अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो उसमें आपको यहाँ से 10% यहाँ से देना पड़ेगा। तो मतलब अगर आप 20,000 से ज़्यादा कमाते हो तो 10,000 मतलब 10% क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 20,000 का 10%, चलिए मैं अपने कैलकुलेटर पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, टोटल यहाँ से 20,000 रुपये हो गए। इसका आपको 10% निकालना, तो सबसे पहले आप यहाँ 100 का भाग दे दीजिए 200 रुपये और 10% यानी ×10 का कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, टोटल आपको 2,000 रुपये एमपीएल को देना पड़ेगा। मतलब टोटल आप 20,000 में से 18,000 ये आपके वॉलेट में ऐड हो गए, 2,000 आपको एमपीएल को यहाँ से देना पड़ेगा। तो अब देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि एमपीएल में अगर आपको यहाँ से 1 करोड़ रुपये यहाँ से मिल जाते हैं तो आपको यहाँ से टोटल कितना अमाउंट आपके एमपीएल वॉलेट में यहाँ से ऐड होगा। तो टोटल यहाँ से 1 करोड़ रुपये, यहाँ पर चलिए मैं 1 करोड़ यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पर देखिए 1 करोड़ रुपये हो चुका है। अब इसका आपको टोटल 10% एमपीएल को देना पड़ेगा। 10% इसका अगर आप निकालोगे तो सबसे पहले यहाँ से 100 का यहाँ से भाग दे दीजिए, तो टोटल यहाँ से देखिए इतना बचा, इतना इतने में आपको 10% यहाँ से चार्ज देना, तो गुणे यहाँ से 10 कर दीजिए, तो टोटल आपका अमाउंट यहाँ 1 करोड़ का टोटल 10% यानी टोटल 90 लाख रुपए यहाँ से आपको एमपीएल टोटल आपको यहाँ से एमपीएल देने वाला। मतलब 10% चार्ज काट के टोटल 90 लाख आपको रुपए यहाँ से एमपीएल देगा। अब एमपीएल आपके वॉलेट में जब इतना देगा दोस्तों, तो आपके वॉलेट में यहाँ से 90 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, उसमें भी आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि जो भारत सरकार का नियम है कि अगर आप यहाँ से बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हो तो उसमें भी आपको यहाँ से 30% यहाँ से चार्ज लगता है, मतलब 31 से 32% यहाँ से टैक्स लगता है, तो उसमें भी आपको देना पड़ेगा। तो मान लीजिए पूरा 30% आपको उसमें भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 90 लाख का 30% यहाँ से क्या हो जाता है दोस्तों, 30% नहीं दोस्तों, टोटल 20% ही लगता है। 30% टोटल मिला के लगता था, जैसे मैंने 10% तो पहले से यहाँ से काट दिया, तो टोटल 20% अब आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लाया गया। तो इसका 20% निकालोगे तो टोटल क्या कहलाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पर मिला के 70,000 रुपये। तो यहाँ पर देखिए 70 लाख रुपये आपको यहाँ से टोटल मिलने वाला।
तो कुल मिला के ये देखिए 70 लाख रुपए यहाँ से हो चुका है, जिसमें 20% आपने टैक्स दे दिया। तो टोटल मिला के आप कहाँ से 70 लाख रुपए आपके यहाँ से वॉलेट में, यहाँ से एमपीएल के वॉलेट में यहाँ से ऐड हो गए दोस्तों। 30% 10% एमपीएल वाले स्वयं रखते हैं, और जो आपको 90% मतलब 90 लाख रुपए बचता है उसमें से आपको 20% इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा। तो अब वो उनके ऊपर है दोस्तों कि 30% एक साथ मतलब काट लेते, क्योंकि 20% और 10% एमपीएल वाले स्वयं अपना लगा के, तो टोटल मिला के 30% पर एक साथ मतलब कट करके आपको अमाउंट देते हैं, या 10% काट के फिर अगर वो 20% नहीं काटते हैं दोस्तों टैक्स, तो फिर आपको यहाँ से एमपी मतलब इंडियन गवर्नमेंट में टैक्स यहाँ से फॉर्म भर के यहाँ से चुकाना पड़ेगा, नहीं तो दोस्तों बाद में आपको यहाँ से दिक्कत भी हो सकती। तो ये बात होती है दोस्तों, टोटल मिला के 1 करोड़ यहाँ से प्राइज लिखा गया है, लेकिन आपको टोटल मिला के 70 लाख मिलते हैं, वो भी बहुत बड़ी रकम है। आप घबराई मत कि आपको यहाँ से 1 करोड़ क्यों नहीं दिया गया, टोटल प्रोसेस ये होता है, क्योंकि डायरेक्ट आपको जितना अमाउंट रहता है उतना पूरा का पूरा अमाउंट आपको यहाँ से नहीं दिया जाता। इसी तरह अगर आप जितना नीचे रैंक आते जाओगे, जैसे 15 लाख रुपए है, तो उसका आपको 30% टोटल, 10% वो लोग अपने पास रखेंगे, 20% आपको देना पड़ेगा, तो इसका टोटल यहाँ से 30% आपको यहाँ से देना पड़ेगा। उसी तरह जितना नीचे आप यहाँ पर आते जाओगे उसमें सभी में आपको यहाँ से 30% यहाँ से आपको चार्ज काटने के बाद ही आपको अमाउंट मिलता है, वो भी आपको कब दोस्तों, जब आप बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ से विन करते हो। अगर आप छोटा मोटा अमाउंट यहाँ से विन करते हो, जैसे 50% मतलब 50,000 60,000 यहाँ से 30,000 20,000 रुपये, तो उसमें आपको 10% केवल चार्ज देना पड़ेगा, केवल एमपीएल का जो होता है उसमें आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप दोस्तों करोड़ों और लाखों में यहाँ से अर्न करते हो मतलब किसी फैंसी ऐप के थ्रू, तो उसमें आपको यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट्स को भी यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रूल है। इसलिए टोटल मिला के अगर आप यहाँ से 10,000 मतलब 20,000 से ऊपर अगर आप कुछ भी अर्न करते हो, तो उसमें आपको केवल एमपीएल को 10% ही यहाँ से चार्ज देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आप 1 करोड़ रुपए जीतते हो, तो टोटल बता चुका हूँ दोस्तों कि यहाँ से आपको 30 लाख रुपए कट करके जो अमाउंट बचेगा वो आपको यहाँ से एमपीएल ए अकाउंट में यहाँ से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो चुका होगा कि रियल टाइम में हम लोगों को पैसे यहाँ से कितना मिलने वाला है। और दोस्तों फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आईपीएल में टीम अच्छे से तरीके से बनाना चाहते हो और टीम लेना चाहते हो यहाँ पर देखे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या टेलीग्राम पर सर्च करोगे हमेशा हटके तो जो सबसे ऊपर चैनल आएगा उसे आपको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको बेस्ट टिप्स और ट्रिक, यहाँ पर जो खिलाड़ी फ्लॉप होने वाला सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। तो अगर आपको किसी मतलब वीडियो से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या कोई आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो उसके बारे में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके बारे में आपको फुल डिटेल से यहाँ से बता दूंगा। फिर भी